एक साल बीत गया पिछले चुनाव को, किसी को नहीं दिया। और बात करते हैं कि हम बिहार का विकास करेंगे। केंद्रीय मंत्री इनके साथ जो हमारे ही पार्टी में थे पहले, वो जाते हैं तो जाकर रोना शुरू हो जाते हैं। शोभा देता है क्या मुख्यमंत्री के पद को? क्या हम गरीब गांव वालों को जातियों में बांटे? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्ट चीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होना है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 30 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी दलों ने खूब जोर लगाया है। वहीं चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जमुई के सांसद हैं, उन्होंने भी आज अंतिम दिन हेलीकॉप्टर से प्रचार किया है। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी हेलीकॉप्टर है और उन्होंने हेलीकॉप्टर से प्रचार किया है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान गए, जहां पर उनकी सभाओं में भी खूब भीड़ देखने को मिली। देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं कुशेश्वर स्थान की। अब कुशेश्वर स्थान की तस्वीर देखिए, कैसे जनसभाओं में उनकी भीड़ उमड़ी हुई है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में दोनों ही जगह चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा है और ये कहा है कि एक साल बीत गया, क्या युवाओं को रोजगार मिल गया है? एक साल बीत गया है, मेरे चाचा पशुपति पारस को तो नीतीश कुमार ने तोड़ लिया, उन्हें केंद्र में मंत्री बनवा दिया, हमारे परिवार को तोड़ दिया। ये तमाम इल्ज़ाम नीतीश कुमार पर लगाए हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि इन सभाओं में जो भीड़ जुटी है, चिराग पासवान की सभाओं में जो भीड़ जुटी है, अगर ये भीड़ वोट में तब्दील करने में कामयाब हो गए चिराग पासवान, तो फिर जेडीयू के लिए दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, एनडीए के लिए दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे पहले वो जरा सुनिए। पिछले चुनाव को लगभग इसी समय पिछली बार भी चुनाव चल रहा था। एक साल में आप हमको बताइए कि आपने कितना यहाँ पर आपने कितने आपने रोजगार दे दिए। एक साल में आप 19 लाख भूल जाइए भैया, 10 लाख दिए क्या? 5 लाख, 2 लाख तो दिए होंगे। अच्छा, 1 लाख दिया होगा। अच्छा, आप में से किसी को तो दिया होगा? किसी को नहीं दिया। और बात करते हैं कि हम बिहार का विकास करेंगे। शर्म आनी चाहिए इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। इनके मंच पर जितने नेता जाते हैं, हमारे परिवार के भी लोग जाते हैं, वो वहां पर जाकर अपना रोना गाना शुरू करते हैं। भाई, हम लोग यहाँ पर आपका रोना गाना सुनने आए हैं क्या? आपके परिवार की समस्या सुनने आए हैं क्या? आप हमको बताइए, आप हमारे लिए क्या विकास करेंगे? केंद्रीय मंत्री इनके साथ जो हमारे ही पार्टी में थे पहले, वो जाते हैं तो जाकर रोना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कर दिया। अरे भैया, जब ऐसा हुआ था तो घर में बैठ कर समस्या को सुलझाना था ना, बाहर जनता के बीच आकर। क्यों आप लोग इस तरीके की बातों को करें? जनता को सुनना है तो आप बताइए कि केंद्र से आप कौन सी योजना लेकर आ रहे हो। जनता को सुनना है तो मुख्यमंत्री बताए कि आप कौन सी योजना विशेष स्थान में लेकर आ रहे हो। आप पूछे पूछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, भैया एक काम बताया था, एक विकास का काम बताया जो उन्होंने किया। और विकास का काम करना तो दूर की बात है भैया, हम लोगों को इन्होंने सिर्फ जातियों में बांटने का काम किया। शोभा देता है क्या मुख्यमंत्री के पद को? क्या हम गरीब गांव वालों को जातियों में बांटे? दलित को महादलित कर दे, पिछड़ा को अति पिछड़ा कर दे। जो लोग एक साथ रहता खाता सोता पीता है, उन्हीं के बीच में आप दरारें खड़ी कर दे, ये तो उनका काम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महारत हासिल है सिर्फ और सिर्फ बांटने में। अंग्रेज करते थे ना, बांटो और शासन करो, वही काम मुख्यमंत्री जी सीखे अंग्रेजों से। बांटो और शासन करो, भाई को भाई से अलग करो, सिर्फ बांटने का काम। हम ही को बांट दिया हमारे परिवार से, हमारे चाचा को अलग कर दिया, हमारे भाई को अलग कर दिए। बांटने के अलावा किए क्या है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? और आज भी इनका भाषण आप सुन लीजिए, भाषण में एक शब्द नहीं बोलते, ये तो बोलते नहीं है। इनके साथ भी जितने लोग आए होते हैं, वो लोग भी सिर्फ बांटने के लिए आते हैं। अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, जात पात धर्म मजहब, सिर्फ यही राजनीति इन लोगों की चलती है। तो आपने तस्वीरें देखी हैं, विधानसभा कि दो सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में अगर चिराग पासवान जैसा किसी दमखम दिखा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से वो पहुंचे थे, साथ में उनके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी और उनके प्रवक्ता है वेद प्रकाश पांडे, वो भी उनके साथ मौजूद थे। तमाम तस्वीरें हम आपको हेलीकॉप्टर की दिखा रहे हैं, कैसे जब वो हेलीकॉप्टर में बैठे उस वक्त भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आके उनसे मुलाकात कर रहे थे, मिल रहे थे। चिराग पासवान की सभाओं में आई हुई भीड़, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर ये भीड़ वोट में तब्दील हुई तो जेडीयू और एनडीए के लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि चिराग पासवान ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, रोजगार को लेकर सवाल खड़े किए हैं और
नीतीश कुमार की सरकार की जो नीतियां हैं उसका जमकर विरोध किया है। अब देखना यह होगा कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव दमखम लगा रहे हैं, लालू प्रसाद ने भी आज प्रचार प्रसार किया, वहीं चिराग पासवान ने भी अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या होगा 30 अक्टूबर को, तो खैर जनता फैसला करेगी। 2 नवंबर को किसके पक्ष में जो रिजल्ट है वो जाने वाला है, ये खैर आने वाला समय बताएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।